इसको एक दफा किसी को लग जाते तो वो आपके करीब फिर नहीं आएगा। वो आपको ये नहीं कि एक दफा बोर लगा लो बड़ा मजा है, वो भागेगा आपसे। मैं आपको हल्का सा लगाता हूँ। जॉन के साथ और एक खबर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है, वो ये है कि अमेरिका का मालिक नईमत अफगानिस्तान से ड्रैग सिकंदर हयात साहब की दुकान पे लाहौर में पहुंच चुका है। तो इस वक्त हमने बड़ी मुश्किल से सिकंदर हयात साहब को पकड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ मीडिया है और हर एजेंसी की नज़र जो है वो सिकंदर हयात साहब पे है, क्योंकि इनकी इस दुकान के ऊपर तमाम अमेरिका का मालिक नईमत जो अफगानिस्तान में छोड़कर भागे हुए हैं वो यहाँ पहुँच चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताया कि जो अमेरिका अफगानिस्तान में मालिक नईमत छोड़ के भागा है वो सारा माल आप तक पहुंच गया? सारा माल तो पूरे पाकिस्तान को भी नहीं पहुंच सकता, जो हमारा किस्मत में वहाँ में पहुंचेगा पहुंच गया। जब ये तो 20 साल से मैं भेज रहा हूँ ये सामान, शुरू चूँकि अभी अफगानिस्तान में वो अमरीकी भाग गए तो इस वजह से लोग के नज़र में आ गया। बाकी ये सामान मैं भेज रहा हूँ और ये 20 साल से है और इंशाल्लाह और माल मजीद आएगा। जब इंशाल्लाह हुकूमत वहाँ मुस्तहकम हो जाएगा तो अफगानिस्तान का हुकूमत और पाकिस्तान दोनों भाई भाई बन गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अफगानिस्तान से आई हैं? ये अगर आप कैमरा घुमाओगे तो बहुत कुछ है। उनके शूज़ है, उनके चतरियाँ है, उनके वर्दियाँ है, उनके बैग है, उनके लाठियाँ है, उनके बहुत कुछ है। अगर आपका कैमरा आपको इंशाल्लाह घुमा लोगे आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। तो आप खुद जाके अफगानिस्तान से लेके आए या सीधा आपकी दुकान पे पहुंचा? जब खुद ज़रूरत पड़ता था खुद भी जाता था, लेकिन आप सबको जो है ना अल्लाह पहुंचा देता है, इधर आ जाता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये ज़रूरियात इंसानी है, इसमें कोई ममनुआ आइटम नहीं है। बूट है, अमरीकी फौजी भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा पाकिस्तानी फौज भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी आवाम भी इस्तेमाल करते हैं जो पहाड़ों पे जाता है। छतरी है तो अमरीकी वाले भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। उनके बैग है अमेरिकन, अमरीकी फौजी भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी आवाम भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे बताया कि कोई ड्रोन श्रोन भी उनके आया है, कोई बमशम भी आया है या खाली जैकेट जूते वगैरह ही आया? ड्रोन हमने लेके क्या करना है, ड्रोन जो आप वो लोग जिसको जरूरत है अल्लाह उनका नसीब करे, हमने वो चीज़ लेके आने हैं जो इधर जरूरत है आवाम को और जिससे आवाम को फायदा पहुँचे। पाक आर्मी ने फौज ने भी आपसे रब्ता किया कि कौन कौन सी चीजें आई हमें भी दिखाए कैसी चीजें? पाक आर्मी को सब पता है, कोई इस तरह नहीं है, पूरी दुनिया का नंबर वन आर्मी हमारा माशाल्लाह इस वक्त है ISI, उनको सब पता है। मुझे बताया कि जब से आपके दुकान में मालिक नईमत आया है राश लग गया है, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, आवाम भी आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं ये कैसा कैसा सामान जो आया है, तो क्या होता है इधर आपकी दुकान पे? लोग आते हैं देखते हैं भाई ये क्या है, उसमें बहुत सारे, ये पूरे पाकिस्तान में एक ही दुकान है, ऐसा दुकान पूरे पाकिस्तान में और नहीं है जहाँ पे इतनी सारी वैरायटियाँ और माली गनीमत का सामान हो। माली गनीमत का मकसद ये नहीं है, हर वो चीज़ पावे टिश्यू पेपर हो या पानी का बोतल हो जो अमेरिका से या यूरोप से कंटेनर में इस नीयत के साथ डाला गया है कि ये अफगानिस्तान अमेरिकी आर्मी के लिए जाएगा, चाहे वो पानी क्यों ना हो, वो जंगी सामान हो गया, वो कई भी मुसलमान के हाथ लग गया माली गनीमत है। अच्छा, मुझे बताया कि कितने तो मतलब कितनी रेंज तक आपने ये सामान जो है वो खरीदा? इसमें रेंज मेन का चक्कर नहीं होता, या हमें सस्ता मिल तो हम सस्ते ही बेचते हैं, जो मिल जाता है हम खरीद लेते हैं और सस्ता ही बेचते हैं। इसमें तमाम वो चीजें है कि लोग इसको ले जाके पहाड़ों में जाता है, इसमें आप पहाड़ों पे जाते तो हमारे पास एक मुकम्मल किट होता है, मुकम्मल घर का सामान आपका एक डिग्गी में आ जाता है, उसमें खेमा, बिस्तर, चारपाई, कुर्सियाँ, बर्तन, चूल्हे, बरसातिया, हर चीज़ मुकम्मल आपके छोटा सा डिग्गी में आ जाता है और डिग्गी में रखे आराम से अपने सफर पे जाओ। तो ऐसा सामान आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, पहाड़ों पे चलने वाला सामान है, शिकारी सामान है, तो ये सारा सामान आपको सिर्फ इंशाल्लाह इधर से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। मुझे बताया आयशा अकरम का जो हादसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, उसके बाद आपने एक जदीद आला जो है वो भी बना लिया, वो आला क्या है? ये ऐसा चीज़ है कि करंट देने वाला दिफाई आला, हमने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है खवातीन के हिफाजत के लिए दिफाई आला दस्तयाब है। अब अगर ये आला उस खातून के साथ होता जो मीनार पाकिस्तान पे थी तो उसके करीब कोई देख भी नहीं सकता, आना तो दूर की बात है, उसको देख भी नहीं सकता था। अगर ये आला होता करंट देने वाला है तो ये अगर उनके पास होता तो उसको कोई नहीं चढ़ सकता था, लेकिन चूंकि उसके पास कुछ नहीं था वो मजबूर थी बेचारी, तो उसको लोगों ने तंग कर दिया। अब खातून के इसमें छोटे छोटे आले हैं और वो छोटे आले भी हमारे पास पड़े हुए हैं जो खवातीन अपने साथ पर्स में रख सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मर्दों के लिए है। और इसको एक दफ़ा किसी को लग जाते तो वो आपके करीब फिर नहीं आएगा। वो आपको ये नहीं कि एक दफ़ा बोर लगा लो बड़ा मज़ा है, वो भागेगा आपसे। मैं आपको हल्का सा लगाता हूँ। अच्छा ठीक है।
नहीं जी मुझे ना लगाइएगा। अच्छा मुझे ये बताया कि लोग जो बहुत दूर दूर से सिर्फ आपकी दुकान की चीज़ें देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि खबर फैल गई है जी अफगानिस्तान का माल आया हुआ है, तो लोग जो है वो बड़े शौक से अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ रहे हैं, तो क्या रश लगा रहता है हर वक्त दुकान पे? हमारा दुकान 25 साल पुराना दुकान है, इधर माशाल्लाह का तरस रहते थे, ये भी सिर्फ आप लोगों ने इंटरव्यू ले लिया, बाकी 25 साल पुराना दुकान है, लोग आते रहते हैं, हमारा दूसरे ब्रांच पे भी आते हैं, इधर भी आते हैं, और लोगों को पता है कि इधर जो चीज़ मिलता है वो पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलता। ये मैं खुद बाहर जाता हूँ, बाहर दुनिया में मैं चीन कई दफ़ा गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, दुनिया के 60 मुल्क मैंने देखे हैं, और वहाँ से वो चीज़ें मैं उठाता हूँ जो पाकिस्तान में और कोई नहीं ला सकता। मैं अपने साथ वो चीज़ें लेके आया हूँ, चीन से भी लेके आया हूँ। ये सारा सामान जो अमरीकी को है मेड इन चाइना है, अमरीका में सिर्फ F-16 बनता है, मिसाइल बनता है, बाकी उनका तमाम सामान चीन में बनता है, मेड इन चाइना, लेकिन क्वालिटी फॉर USA नॉट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला हल्का बनाते हैं, सस्ता बनाओ सस्ता बनाओ, और अमरीकी वाला कहते यूरोप कहते सबसे अच्छा बनाओ, तो इसलिए उनका चीज़ें कामयाब होती है। जी बिल्कुल, ये बात जो है वो 100% सही है कि इस दुकान पे ऐसी ऐसी अजीब और गरीब किस्म की चीज़ें हैं, जासूसी के आलात मुकम्मल है, इसके अलावा शिकार के तमाम आलात मौजूद है, और जंगी जो है वो जितने भी माली गनीमत है वो भी यहाँ मौजूद है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप एक छोटे से रिव्यू में देखें, हम दोबारा वापस आते हैं। पाकिस्तान की सबसे अनोखी दुकान सिकंदर हयात साहब की, और आजकल ये दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान का माल गनीमत जो है वो यहाँ पहुँचा है, और अमेरिका फौजी जो अपना माल छोड़कर भागे है, दुमदुमाकर भर के भागे है, वो सारा माल जो है वो इनकी दुकान पर मौजूद है, इस वजह से लोग दूर दूर से इनकी दुकान को जो है वो देखने के लिए आ रहे हैं, और इनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा सिकंदर हयात साहब ने औरतों की हिफाजत के लिए भी बहुत मज़ेदार से आले निकाले हैं, और इनका कहना यह है कि अगर ये आलात जो है औरतें अपने बैग में या अपने आस पास रखें तो कभी भी मीनारे पाकिस्तान वाला हादसा और दूसरे हादसे जो है वो ना पेश आए, ऐसा ही है इंशाल्लाह, ऐसा ही है। अब औरतों को क्या मैसेज देंगे आपके, किस तरह आपके साथ रजू करें और किस तरह वो हालात जो है वो अपने खवातीन घर से बाहर निकलता है, दफ्तरों में काम करता है या मजबूरी के लिए बाजार जाना पड़ता है, वो अपने साथ इस तरह के हालात रख ले, मोबाइल को लोगों को न देखे मेरे पास 2 लाख का मोबाइल है, लाकर वो पर्स में संभाल के रख ले, और ये करंट देने वाला हाथ में तैयार रख ले, कोई हादसा हो तो फौरी तौर पर उसको इस्तेमाल करें और चोर भाग जाएगा। ये बिल्कुल, ये जो है ये बहुत जदीद किस्म के जो है जदात है इनकी दुकान पे, तो ज़रूर इन्हें देखने भी आइएगा, और ये फ़ायदेमंद भी औरतों के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।